बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द केमिस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 4, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। द टॉपिक है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ वैलेंस कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। ठीक है, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारे पास थ्योरी है वैलेंस कॉन्सेप्ट की, जो वैलेंस थ्योरी है, और उसमें मजीद हमारे पास दो थ्योरीज हैं, एक ड्यूप्लेट थ्योरी है और एक हमारे पास ऑक्टेट रूल है। ठीक है, ये ड्यूप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल है हमारे। ये थ्योरी जो है हमारे पास, बेसिकली इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, हम इसमें एटम की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक एटम जो है वो किन सिचुएशन में जो है वो स्टेबल होता है। तो एटम जो है हमारे पास, उसकी स्टेबिलिटी के हमारे पास दो ही केसेस हैं। एक है कि वो ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करें, कि उसके वैलेंस शेल में, उसके आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल किसे कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल को कहते हैं, कि उसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, और या तो फिर वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करें कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो हमारे पास जो है एक साइंटिस्ट था जी एन लेविस एंड एम कोसेल, उसने 1916 में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस को जो है, या फिर वैलेंस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने क्या कहा था कि जो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, उसमें इसने कहा कि एटम जो है वो हमारे पास बॉन्ड बनाता है, किस लिए बॉन्ड बनाता है, ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। ठीक है, हर दुनिया में हर चीज़ को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, जैसे हम अगर कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम स्टेबल हो सकें, ताकि हमें किसी के आगे हाथ ना पैराना पड़े। तो इसी तरह एटम को भी अपने आप को स्टेबल करने की ज़रूरत होती है, और वो अपने आप को स्टेबल करता है थ्रू केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड किस तरह बनते हैं हमारे पास, एटम जो है या तो वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो लॉस और गेन की फिनोमिना से करता है, कि अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने आप को स्टेबल करेगा, या दूसरी किसी एटम के इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल कर सकेगा, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपने आप को वो जो है स्टेबल करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हासिल कर लेगा। ठीक है, तो यही हमारे पास जो स्टेटमेंट है, और यही हमारे पास जो है वो इंट्रो है किसका, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस के। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किए हैं, इसमें हमने इन्होंने दो मज़ीद थ्योरीज को पेस्ट किया है, किसने, जी एन लेविस ने और कोसेल ने, उसने एक हमारे पास और एक ऑक्टेट रूल को पेश किया है। ठीक है, और एक हमारे पास ड्यूप्लेट रूल को। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि हमारे पास ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रूल किसे कहते हैं। तो ये दो थ्योरीज उसने दी हैं हमें, एक हमारे पास है ऑक्टेट और दूसरी हमारे पास ड्यूप्लेट थ्योरी ऑफ वैलेंस है। ठीक है, ऑक्टेट में किसे कहते हैं, ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस किसे कहते हैं, या फिर रूल ऑफ 8 किसे कहते हैं। ऑक्टेट मीन 8, ठीक है, रूल ऑफ 8 या 8। अब 8 क्या है, इन्होंने कहा है कि ये जिस एटम के वैलेंस शेल में, मीन आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो जो एटम होगा वो हमारे पास वो स्टेबल होगा। ठीक है, और एटम जो है वो इतनी ताकत रखता है कि वो अटेन कर सके, हासिल कर सके हमारे पास क्या नाम है, ऑक्टेट थ्योरी को, या रूल ऑफ ऑक्टेट, जो कि है कि वो अटेन कर सके 8 इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, कि एटम में इतनी टेंडेंसी है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन को जो है वो, या वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर सके, या तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हासिल करेगा, किसी भी दूसरे एटम से वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और अपने आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर देगा, या फिर वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। ठीक है, तो किस तरह हमारे हम इसको एक्सप्लेनेशन जो है इसे करते हैं थ्रू एग्जांपल, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दैट मीन वो हमारे पास कहाँ पर लाया करता है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास ग्रुप 6 में लाया करता है। ठीक है, ग्रुप 6 का मेम्बर है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन ऑक्सीजन जो है वो अनस्टेबल है। तो ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये केमिकल बॉन्ड बनाएगा, या तो वो शेयरिंग इसमें करेगा, ठीक है, या फिर वो लॉस और गेन का फिनोमेना इसमें करेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो जाहिर है ये O2 है, तो हमें पता है कि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड होगा, और कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो क्या होगा कि हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है, उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑक्सीजन एटम में भी 6 इलेक्ट्रॉन है,
ये ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा कि ये दो जो एक ऑक्सीजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, तो फर्स्ट वाला ऑक्सीजन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड ऑक्सीजन से लेके अपना ऑक्टेट जो है फॉर द टाइम थोड़े वक्त के लिए ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा, ठीक है। सिक्स इसके अपने थे, दो इसने लिए ये वाले, तो 6+2 8 हो गया, ठीक है। कुछ वक्त के लिए ये स्टेबल हो जाएगा और कुछ वक्त के लिए जो है फिर ये सेकेंड ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, वो इसे कहेगा कि मुझे मेरे दो और इलेक्ट्रॉन वापस करो और दो अपने शेयर कर दो, ठीक है। तो इस तरह ये शेयरिंग की फिनोमिना करके ये हमारे पास क्या है, ये रूल ऑफ एट को, अब देखिए ये हमारे पास जो है यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब ये आपस में ये एटम जो हैं ये आपस में जब कंबाइन होंगे तो ये मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो ये किस तरह करेंगे कि ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला ऑक्सीजन है, ये पहले क्या होगा, ये दो जो है ये अपने आपस में केमिकल बॉन्ड बना लेंगे। अब केमिकल बॉन्ड में क्या होगा कि ये जो फर्स्ट वाला ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन हैं ये कुछ वक्त के लिए जो हैं ये सेकेंड वाले ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल हो गया विद 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर जब इसने अपने आप को स्टेबल कर लिया फिर जो है कुछ वक्त के लिए फिर ये क्या करेगा, ये जो फर्स्ट वाला होगा ये कहेगा मुझे भी मेरे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे भी स्टेबल करो। तो ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड वाला ऑक्सीजन एटम है ये तो इसके इलेक्ट्रॉन तो उसको वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा, और साथ में अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसको दे देगा। तो इस तरह ये ऑक्सीजन भी फॉर द टाइम जो है ये ऑक्सीजन भी कुछ वक्त के लिए स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने ये क्या करते हैं, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। जैसे अब शेयरिंग क्या क्या है, कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। तो अक्सर हम जो है अपनी हमारे पास अगर दो पेंसिल्स हैं, ठीक है, और हमारी फ्रेंड के पास दो रबर है, तो हम कहते हैं कि हम या एक पेंसिल मेरे पास है और एक पेंसिल रबर जो है मेरी फ्रेंड के पास है, तो हम क्या करते हैं कि अच्छा कुछ टाइम के लिए तुम्हें पेंसिल की ज़रूरत हुई तो तुम उससे लाइन शाइन लगा लेना और कुछ टाइम की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रबर जो है वो यूज़ कर लूँगी। तो वो शेयरिंग होती है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो यही जो एटम भी है वो भी शेयरिंग इज केयरिंग का फिनोमेना यूज़ करके अपने आप को स्टेबल करते हैं और केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये था हमारे पास रूल ऑफ एट, मतलब ऑक्टेट थ्योरी, कि एक एटम जो है उसके आउटर एटम जो है अपने अपने आउटर मोशेल में 8 इलेक्ट्रॉन को वो लाए, किस तरह, केमिकल बॉन्ड के थ्रू लाए, और केमिकल बॉन्ड कैसे बनाएगा, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाएगा या जो है हमारे पास वो बनाएगा लॉस और गेन के फिनोमेना से। अब लॉस और गेन अगर हमारे पास होता है तो आप लोग ये देख लो, NaCl में देख लो, NaCl में है सोडियम के आउटर मोशेल में हमारे पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 11 है, ठीक है, और क्लोरीन क्या है, 17 है। अब सोडियम का अगर आप लोग देखो तो हमारे पास फर्स्ट शेल में 2 इसके इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, सेकंड शेल में उसके हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं ये, ठीक है, और लास्ट शेल में हमारे पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जब लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो है तो ये सोडियम जो है उसको क्या कर, वो क्या कर रहा है कि सोडियम को अपने आप को स्टेबल करने के लिए अब दो सिचुएशन है, या तो वो किसी दूसरे एटम से जो है वो 8-7 इलेक्ट्रॉन ले कि वो 8 ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, वो तो हो नहीं सकता, सोडियम हमारे पास मेटल है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये वाली चीज़ तो वो कर ही नहीं सकता कि वो गेन करे, ठीक है, एक्सेप्ट करे जो है एटम को। वो क्या कर सकता है, वो अपना इजी जो है उसके लिए क्या है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर ले और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये शेल हट जाएगा और नीचे वाला जो है हमारे पास, नीचे वाले शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके थ्रू वो जो है हमारे पास रूल ऑफ ऑक्टेट थ्योरी जो है हमारे पास ये रूल ऑफ एट जो है वो उसको स्टेबल कर लेगा, या हमारे पास ग्रुप 8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो हासिल कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का फिनोमेना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ताकि हमें रूल ऑफ एट जो है वो ओबे कर सके या फिर हम अपने आप को स्टेबल कर सकें, ठीक है, सोडियम जो है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और लास्ट शेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन जो है
वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। उसमें ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, हासिल कर सके। वो ये नहीं कर सकता कि वो सातों के सातों इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे दे, लूज कर ले और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, नहीं। उसकी क्या एबिलिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो रूल ऑफ 8 को या ऑक्टेट रूल को या अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट रूल को जो है वो फॉलो कर लेगा, ठीक है, रूल ऑफ 8 को फॉलो कर लेगा। तो ये था हमारे पास क्या है रूल ऑफ 8, कि एक एटम को अपने आप को स्टेबल रखने के लिए उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर ले इलेक्ट्रॉन्स को, या वो गेन कर ले, ठीक है, फुली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है गेन कर ले, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो कर ले। इन तीनों तरीकों से जो है इलेक्ट्रॉन एटम जो है अपने आप को स्टेबल कर ले, ताकि वो अपने लास्ट शेल में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है या स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन कर ले, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑक्टेट। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूप्लेट थ्योरी। ड्यूप्लेट मीन टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। एटम के पास इतनी टेंडेंसी होती है कि वो टू इलेक्ट्रॉन को हासिल कर ले, ठीक है, अपने वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन को ले आए और रूल ऑफ टू और ऑक्टेट रूल को वो फॉलो कर ले, ताकि अपने आप को स्टेबल कर ले, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन टू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, मतलब आउटर मोस्ट शेल, इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, किस लिए, ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 1 से। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, दोनों को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, आपस में एक डील कर लेंगे कि हम जी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। तो ये जब केमिकल बॉन्ड बनाएगा, ये लाइन जो है ये केमिकल बॉन्ड कहलाती है। तो कुछ टाइम के लिए ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ताकि ये दो इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल हो जाए। और कुछ टाइम के लिए ये जो है हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन भी इसको दे देगा, और साथ में जो इसका वाला इलेक्ट्रॉन लिया था वो भी इसको दे के अपने आप को दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्टेबल कर लेगा, ठीक है। और रूल ऑफ टू या ड्यूप्लेट रूल को जो है वो फॉलो कर लेगा, ठीक है, ताकि अपने आप को वो स्टेबल कर ले। अब इस तरह जो है हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, अगर तो ये शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया और एक इसके पास था, ठीक है। तो इस तरह जो है हाइड्रोजन जो है दो इलेक्ट्रॉन जो इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट हैं उसके साथ अपने आप को स्टेबल कर लेगा, और रूल ऑफ ऑक्टेट, सॉरी रूल ऑफ ड्यूप्लेट जो है, रूल ऑफ टू जो है उसको फॉलो कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था जो वैलेंस थ्योरी थी, जिसमें हम वैलेंस शेल की बात करते थे कि वैलेंस शेल में एक एटम के को स्टेबल होने के लिए उसकी वैलेंस शेल में दो, मतलब आउटर मोस्ट शेल में दो या 8 इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। तो वो थ्योरीज़ को हम रूल्स को हमने डिस्कस किया। एक को हम ऑक्टेट थ्योरी या ऑक्टेट रूल के रूल ऑफ 8 कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ड्यूप्लेट रूल या रूल ऑफ 2, ठीक है। तो इन दो रूल्स के तहत हमारा एटम जो है वो स्टेबल हो सकता है, केमिकल बॉन्ड बना के वो अपने आप को स्टेबल कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हमारे पास जो है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, कि ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, और इसमें जो है हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड का क्या सीन है, कितने नंबर बॉन्ड बनते हैं और कौन से बॉन्ड बनते हैं, तो वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फेलोज़। थैंक यू।